हमारे बीच इस वक्त फराज साहब मौजूद हैं, शायर अहले बैत, मैं उनसे जानते हैं जन्नतुल बकी के सिलसिले में। एक ज़माना हो गया जुल्म को बर्दाश्त करते करते, हमें हर तरीक़े से अजियत पहुंचाई जाती है, हमें कत्ल किया जाता है। सदियों से हमारा हाल जो है वो यही है कि हमें कत्ल किया जाता है, हमें दार पर लटकाया जाता है, हमें क़ैद कर दिया जाता है। बेगुनाह, हमारा गुनाह ये है जिसको हम अपनी ज़बान में यूँ कह लें कि हम मुहिब अहले बैत हैं, हम उनके मानने वाले हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपनी शहादत पेश की। उसी सिलसिले की, उसी जुल्म के सिलसिले की ये कड़ी है जिसका नाम सऊदी हुकूमत है, आले सऊद हैं, जिन्होंने रसूल की बेटी जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बेटी के रोज़े को मुनदिम किया। हम नहायत सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके रोज़े की तामीर की जाए। उससे ये बताइए कि उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, आवाम से क्या कहना चाहते हैं कि आवाम से हमारा मुतालबा ये है कि अमन व इंसाफ के साथ एहतजाज किया जाए बहुत ज़ोरदार तरीके से पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़, और उसको जब तक के एहतजाज को जारी रखा जाए जब तक के मज़ार फातिमा की तामीर नहीं हो जाती। और जो अभी आपने एक शेर सुनाया था, वो शेर मैंने अभी चार मिसरे पढ़े थे, ज़ाहिर है मौजू पर नहीं है कि दिलों में जज्बे बेदार की ज़रूरत है, दिलों में जज्बे बेदार की ज़रूरत है, कलम की अब नहीं तलवार की ज़रूरत है। बता रही है मजालिम की यूरिश पैहम, लईन वक्त को मुख्तार की ज़रूरत है। बता रही है मजालिम की यूरिश पैहम, लईन वक्त को मुख्तार की ज़रूरत। तो ये थे जनाब सरफराज साहब जिन्होंने अभी जन्नतुल बकी के हसन फराज साहब जिन्होंने अभी जन्नतुल बकी के सिलसिले में रोशनी डाली जो जन्नतुल बकी को शहीद हुए कम से कम 90 साल हो चुके हैं।